सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद, और मेरे साथ आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा अपने माता पिता की बात मानूंगा। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं फंक्शन के अगले वीडियो पर, और इस वीडियो में हम लोग रेंज निकालने की कुछ और बढ़िया बढ़िया मज़ेदार जायकेदार मसालेदार खबरदार होशियार क्वेश्चन देखेंगे। देखो हम लोग एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालने के क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालने वाले सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके देखते हैं। देखो जैसे क्या होता है बच्चों, मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई बराबर वन अपॉन थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स, बल्कि थ्री अपॉन का स्क्वायर माइनस टू, इस फंक्शन का रेंज बताइए, इस फंक्शन का रेंज बताइए। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी ने कई बार पूछे हैं, मैं बता दूं आपको, बहुत बार पूछे हैं। खासतौर पे इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चन है वो आईआईटी ऐसे बहुत बना देता है। तो देखो बच्चों, जैसे क्या होता है, इसको करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक बातें सीखें। जैसे कि मान लो मैं आपको छोटा क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ तक पहुँचेंगे वन बाय वन, है ना, स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो जैसे मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए अगर हमें एक फंक्शन दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और मान लीजिए हमसे इसकी रेंज पूछी। देखो जैसे दो फंक्शन का प्लस है, आप याद करो डोमेन में क्या होता था, अगर दो फंक्शन प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो डोमेन में क्या होता था, याद है आपको? डोमेन के वीडियो आपने पढ़े हैं, सच्ची बताना, ईमानदारी से बताना, डोमेन की वीडियो पढ़ो पहले, है ना, नहीं पढ़े ना, अच्छा पढ़े, ठीक, वेरी गुड। देखो डोमेन में मैंने क्या बताया था कि अगर दो फंक्शन प्लस में है माइनस में है मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो क्या करते हैं, उनकी अलग अलग डोमेन निकाल के उसका इंटरसेक्शन लेते हैं, याद आया कि नहीं? अगर दो फंक्शन अलग अलग हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो उनकी अलग अलग डोमेन निकाल करके उनका आपस में इंटरसेक्शन लेते थे। अच्छा अब रेंज में क्या करते हैं, है ना, जैसे देखो दो फंक्शन का सम है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। ध्यान देना, रेंज में इंटरसेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। दो फंक्शन प्लस में है माइनस में है मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है, तो ध्यान रखना रेंज जैसी कोई चीज नहीं है। तो क्या है, कुछ भी नहीं है। रेंज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आपको दो चीजों का सम डिफरेंस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो ये करिए। देखो रेंज के जो मैंने आपको तौर तरीके बताए थे, जैसे ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड हमेशा एक कामयाब मेथड है। दो फंक्शन का सम हो डिफरेंस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, इसमें ग्राफ मेथड लग जाता है। बाकी जो मैंने आपको रेंज निकालने के बेसिक तौर तरीके बताए थे वही हैं। देखो जैसे मान लीजिए इसका हमें रेंज चाहिए, तो बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि भाई साइन एक्स का रेंज मालूम है माइनस वन से वन, और कॉस एक्स का रेंज मालूम है माइनस वन से वन, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हुआ, साइन प्लस कॉस, और इधर कितना हो गया बोलो माइनस टू, और इधर कितना हो गया टू, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की ये रेंज आ गई ना। ऐसा नहीं है, गलत है, गलत, बिल्कुल गलत है। दो अलग अलग फंक्शन की रेंज को निकाल कर कभी जोड़ मत देना, हालांकि कई जगह ऐसा करते हैं तो उसकी वजह होती है। देखो सब कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्राफ से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड है। जैसे साइन प्लस कॉस का भी ग्राफ बनता है। तो देखो इस टाइप का जो फंक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें साइन कॉस ऐड होके आता है। तो इसको मैं इन जनरल बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए वाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, ये मेरे पास फंक्शन है। देखो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये मैं तुमको पहले भी डोमेन में ही बता चुका हूं, ये फंक्शन y बराबर a sin x प्लस b cos x। देखो समझो ध्यान से, अगर कभी ऐसा फंक्शन हमारे सामने आए a sin x प्लस b cos x, और ये मैथ्स में बहुत आता है, बहुत 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 आता है ये, मतलब हमें लगता है आईआईटी हर बार
ये टर्म जरूर देता है, रेंज में नहीं कहीं भी दे सकता है। तो ये टर्म जो है मैथ्स में आपको बहुत जगह पर दिखाई देगा। जब भी आपको मैथ्स में ये टर्म दिखाई दे, देखो क्या करोगे, देखो क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो इससे करो मल्टीप्लाई और इसी टर्म से करो डिवाइड, तो क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। बस समझे, इस टर्म से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। जब भी मैथ्स में ये टर्म दिख जाएगा तब हमेशा 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 ध्यान रखो इस बात को, हमेशा ऐसा होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही होगा अगर ये टर्म दिख जाए तो। देखो ध्यान रखना, इसमें खास बात एक और भी है, एक्स एक्स दोनों में ये एक्स ना सेम होना चाहिए, दोनों में जो है बेटा एंगल सेम होना चाहिए। अब सेम से मतलब कुछ भी हो क्या? हाँ ये भी एक पॉइंट है, जैसे एक्स हो सकता है, टू एक्स हो सकता है, 3x हो सकता है, x by 2 हो सकता है, क्या x square भी हो सकता है, क्या x की पावर 100,000 भी हो सकती है, हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी हम इसको x, 2x, 3x, 4x, x by 2 तक ही लिमिटेड रखते हैं। मैं बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। हरिओम बाबा का चैनल आप पढ़ रहे हो ना तो टेंशन भूल जाइए, गणित की मैथमेटिक्स की टेंशन भूल जाइए, हरिओम बाबा का HD मैथमेटिक्स पढ़िए और मस्त रहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा, टेंशन फ्री लाइफ जीजिए। मैथ्स में समझ लीजिए आपको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती मैथ्स में, सवालों को चुन चुन के मारेंगे ये डायलॉग है फिल्मी, लेकिन आपके लिए असलियत हो जाएंगे, पढ़ते रहिए बस ध्यान से। देखो ध्यान दो, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ एंगल सेम होना चाहिए, एक्स एक्स, हाँ टू एक्स हो सकता है, थ्री एक्स हो सकता है, एक्स बाई टू, एक्स बाई फोर भी हो सकता है, लेकिन पावर में मत जाओ अभी, एक्स स्क्वायर हो सकता है क्या, देखेंगे, चलो एक्स स्क्वायर को भी देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको वो केस बताऊंगा, परेशान मत हो, हाँ क्या मॉड एक्स हो सकता है उसको भी देखेंगे, परेशान मत हो, फिलहाल अभी आपके सामने एक्स आएगा। आईआईटी ने जो पूछा वो हसियत एक्स था या टू एक्स था, इससे ज्यादा नहीं था। चलो तो देखो बच्चों ये आ गया, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको कॉस मान लें या साइन भी मान सकते हैं, जैसे इसको कॉस अल्फा मान लिया, इसको कॉस अल्फा मान लिया। अब देखो बेटा क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल बना लिया जाए, इसमें ये एंगल अल्फा ले लिया जाए तो ये हो जाएगा ए, और ये हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, समझो, तो ये ए, ये अच्छा, अब हाइपोटेनियस मालूम, बेस मालूम, परपेंडिकुलर निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, तो बी आएगा परपेंडिकुलर, निकालो बी आएगा, अरे निकाल लेंगे ना इतना यार, ठीक है। अब देखो यहां से साइन अल्फा निकालो, साइन अल्फा क्या होगा बोलो, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, समझ गए। तो देखो क्या हुआ बच्चों, ध्यान दो, मतलब इसको अगर हमने कॉस अल्फा माना तो ये अपने आप ही देखो क्या बन गया, साइन अल्फा। तो देखो हमारा क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, समझो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी, देखो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया ये। अब देखो साइन फंक्शन आ गया, साथ में कांस्टेंट है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन, तो पूरे की मैक्सिमम वैल्यू दिस इनटू वन, और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, तो पूरे की मिनिमम वैल्यू दिस इनटू माइनस वन। तो देखो वाई की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई माइनस वन इंटू दिस, और मैक्सिमम हो गई प्लस वन इंटू दिस। तो देखो ये साइन, मतलब ये इस फंक्शन की रेंज आ गई है ना, मतलब साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू माइनस वन रखी तो माइनस वन इंटू दिस ये हो गया, मैक्सिमम वैल्यू वन रखी तो वन इंटू दिस यानी ये हो गया। तो देखो ये मतलब इस फंक्शन की रेंज आ गई, यानी अब तुम्हें अगर कभी भी ये फंक्शन दिखाई दे तो इसकी रेंज ये होगी, समझ लेना। और ध्यान देना ये तुमने जो किया है ना बेटा, ये बहुत जगह पर मैं इसमें करना पड़ेगा, पता है कम से कम कितनी जगह, कम से कम 100 जगह,
मैं इसमें तुम कम से कम 100 सवाल ऐसे करोगे जहां पर तुम्हें ये चीजें करनी है, इंटीग्रेशन में भी ये करना है, डिफरेंशिएशन में भी ये करना है, आईटीएफ में भी ये करना है, बहुत जगह पर ये करना है। इन बात के दिमाग में एक बात और ध्यान रखना, इसको कॉस मान लो तो ये साइन बन गया। ऐसा भी कर सकते थे कि इसको साइन मानते तो ये कॉस बन जाता, तो क्या होता, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो फार्मूला बनता कॉस ए माइनस बी का, वो भी ठीक था। अगर इसको कॉस मानते तो ये साइन बन जाता, तो क्या होता, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो फार्मूला बनता किसका, कॉस ए माइनस बी का, तब भी रेंज यही आती ना, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 और मिनिमम वैल्यू भी माइनस 1, बात समझे। तो ये बात दिमाग में बैठा लो, ऐसा करना पड़ेगा। तो देखो ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या कि ये जो अपना फंक्शन है क्या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, देखो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो इस फंक्शन की रेंज हो गई, रेंज, ये इस फंक्शन की रेंज हो गई, क्या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की देखो रेंज हो गई, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। इस बात को याद कर लो बच्चों, बहुत काम आपके आने वाला है रिजल्ट, ये बहुत काम आने वाला है आपके रिजल्ट, याद रखो इस बात को। हाँ देखो जल्दी से, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता की चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेश लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। देखो ध्यान दो बच्चों, फिर से क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज हो गया माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। देखो जैसे ये फंक्शन है, इसमें ए कितना है 1 और इसमें बी कितना है 1, बोलो ए बी 1 है, एक्स एक्स एंगल सेम है, तो इसका रेंज निकल आया, बोलो 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 इसका रेंज क्या आ गया, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका रेंज क्या आ गया, माइनस अंडर रूट 2 से लेकर के अंडर रूट 2 तक। देखो ये इस फंक्शन का रेंज आ गया, मतलब वाई की मिनिमम वैल्यू ये और मैक्सिमम वैल्यू ये, बात समझे। तो इस प्रकार से साइन और कॉस को अगर चीजें प्लस करके आएंगी तो हम हमेशा रेंज को निकाल लेंगे, ठीक है। देखो जैसे ये सवाल है, इसमें क्या फंक्शन है, देखो इसमें फंक्शन है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, है ना। देखो अब इसका रेंज इस मेथड से निकाल लो तो क्या हो गया, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 9, ए है 3 और बी कितना है 4, तो 9 प्लस 16 से लेकर के अंडर रूट 9 प्लस 16 तो क्या हो गया, बोलो 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स की रेंज क्या हो गई, बोलो माइनस 5 से लेकर के 5 हो गई। बताओ भाई, अब इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायरिंग वाला कॉन्सेप्ट पिछला वीडियो देखो बेटा, पिछला वीडियो देखिए, इस वीडियो में पिछला वीडियो देखना बेटा बहुत जरूरी है, सब चीजें कनेक्टेड है, कनेक्टेड है बेटा, सब सीरीज में चल रहे हैं, पैरेलल नहीं है या कुछ। देखो देखो पिछला वीडियो देखो बेटा, उसे बताया मैंने कि स्क्वायरिंग कैसे करते हैं। तो अगर हम 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का स्क्वायर कर देंगे ना, तो देखो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना ये, तो स्क्वायर करने पर मिनिमम वैल्यू 0 होगी, अरे बताया था कि नहीं, और मैक्सिमम क्या होगी, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 5, दोनों का स्क्वायर सेम, तो सॉरी इसका स्क्वायर 25, इसका भी 25, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 25 हो गई। बोलो
मैंने बताया था अगर कोई चीज निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो इसका स्क्वायरिंग करने पर मिनिमम वैल्यू जीरो होती है अगर निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो, और मैक्सिमम जिसका स्क्वायर ज़्यादा होगा वो होगा। और यहाँ इसका स्क्वायर ही 25, इसका ही 25, तो मैक्सिमम 25 हो गया। अब देखो इसमें से 2 माइनस किया तो 2 माइनस कर दो, 4 कॉस इसका स्क्वायर 2 माइनस कर दो तो कितना हो गया बोलो -2, और ये कितना हो गया बोलो 23। अब देखो इसका रेसिप्रोकल करना हो 3 से मल्टीप्लाई करना, तो देखो टी मेथड, टी मेथड, देखो इसको टी मान ले, जैसे मान लो ये टी है तो इसका मतलब हमारा सवाल क्या हो गया, सॉरी -2, यहां पर -2 होगा बच्चों, यहां -2 होगा, जोश में मैंने होश खो दिए इस बार, गलती हो गई, माफ करना बच्चों, -2 लिखना मैं भूल ही गया भाई साहब। देखो तो क्या करें, इसको टी माने, इतने को टी मान ले, इतने को टी मान लेना, इस पूरे को टी मान ले, ये पूरा हो गया हमारा टी, तो टी क्या है बोलो, टी है -2 से 23 तक, पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है वाई बराबर 3/t चाहिए, 3/t, और टी ये है, टी मतलब ये, इसको टी माना, तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए, है ना, टी मान कर लो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, मत टी मानो यार, टी से क्या गुस्सा आ रही है, तो मत टी मानो भैया, कॉफी मान लेना, चाय नहीं कॉफी, अच्छा कोल्ड ड्रिंक, ना इसके आगे ना, ना ना इसके आगे ना इसके आगे नहीं, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक तक तो बात ठीक है, नो नो नो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, इधर ध्यान दो, ध्यान दो। तो खैर अब देखो इसका रेसिप्रोकल करो 1/t, तो देखो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो रेसिप्रोकल क्या होता है, -∞ से इसका रेसिप्रोकल। और दूसरा केस देखो क्या हुआ कि इसके रेसिप्रोकल से इन्फिनिटी, है ना, इसका रेसिप्रोकल -∞ से इसका रेसिप्रोकल और इसके रेसिप्रोकल से इन्फिनिटी। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3/t, ये तो -∞ ही रहेगा, ये हो गया -3/2, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3/t, ये क्या हो गया 3/23 से लेकर के इन्फिनिटी, और बीच में क्या हो गया, और तो ये हमारे सवाल का बच्चों फाइनल आंसर आ गया, मतलब पहले रेसिप्रोकल किया फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 चूंकि कांस्टेंट है ना बेटा, तो कांस्टेंट चीजें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं रेंज में, समझो बात को ध्यान से, कांस्टेंट चीजें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रेंज में कर सकते हैं, लेकिन दो फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपको साइन एक्स का रेंज पता है -1 से 1, और आपको 2 sin x का रेंज चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया कांस्टेंट था ना, कर दिया। अगर आपको मान लीजिए sin x/3 का रेंज चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि कांस्टेंट है, कर सकते कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो इसमें +2 करना है तो कर सकते हैं, +2 करो तो क्या हो जाएगा 1 से 3 कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर तुमको -3 का रेंज चाहिए, -3 sin चाहिए तो माइनस से किया तो ये 3 हो गया, इनइक्वालिटी चेंज कर दो, और ये क्या हो गया -3, देखो निगेटिव से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज। लेकिन 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 ध्यान दो, मतलब तुमने क्या किया एक फंक्शन में कॉन्स्टेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कोई टेंशन नहीं। जैसे मान लो साइन एक्स की रेंज ये है और कॉस की ये है, अब दो अलग अलग फंक्शन है, अब तुम इनको आपस में जोड़ नहीं सकते ना, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर तुम ये सोचो इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो रेंज का आंसर गलत आ जाएगा, इनको प्लस भी नहीं कर सकते, इनको डिफरेंस भी नहीं कर सकते, इनको डिवाइड भी नहीं कर सकते, है ना। तो दो अलग अलग फंक्शंस अगर हैं तो उनको आप आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं रेंज निकालते समय। लेकिन अगर आप एक फंक्शन में कांस्टेंट से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हमेशा आंसर सही आएगा रेंज निकालने में, ध्यान देना। कांस्टेंट मतलब रियल नंबर, कांस्टेंट से मतलब रियल नंबर, बस समझे ना। दो फंक्शन, ये नहीं कि दो फंक्शन की रेंज निकाली प्लस कर दिया, ना गलत, दो फंक्शन की रेंज निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया गलत। कांस्टेंट टर्म आप देखो, जैसे कांस्टेंट टर्म 3 मल्टीप्लाई करना था, कर दिया इधर भी और इधर भी, देखो ये हमारी रेंज आ गई फाइनल, क्या आ गई बोलो
माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2 और यूनियन 3/23 से लेकर के इन्फिनिटी। तो ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों फाइनल फाइनल आंसर आ गया। बात समझे कि नहीं? बोलो भाई बात समझे कि नहीं? मजा आया कि नहीं? बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल नहीं है, घटिया सवाल एक भी नहीं, ध्यान रखना घटिया सवाल मेरे पास नहीं है, बढ़िया बढ़िया है सब, लाइफ चेंजर सवाल। ठीक है, ऐसे सवाल जो इम्यूनिटी बूस्ट कर दे। आजकल देखिए ऐड का जमाना है, हर चीज में इम्यूनिटी आ गया, जब से कोरोना आया है ना इम्यूनिटी आ गया। बोले साबुन हाथ में लगाइए इम्यूनिटी दिमाग की बढ़ जाएगी, बोले क्रीम चेहरे पे लगाइए इम्यूनिटी जो है वो हार्ट की बढ़ जाएगी, गला अच्छा हो जाएगा अगर आप चेहरे पे क्रीम लगाएंगे। आप देखिए हर चीज़ में इम्यूनिटी आ गया। एक ज़माना था जब हर चीज़ में एलोवेरा आता था, एलोवेरा। आप विश्वास नहीं करेंगे, छोटा बच्चा मेरा था, उसके लिए मैं डाइपर खरीदने गया, बोले डाइपर में एलोवेरा। क्यों? बोले डाइपर में एलोवेरा। हमने कहा डाइपर में एलोवेरा क्या काम? बोले नहीं डाइपर में एलोवेरा आता। हमने कहा अरे यार एलोवेरा मतलब क्या, मतलब वो ब्यूटी प्रोडक्ट में एलोवेरा पड़ता है, एलोवेरा जानते हो ना एक पत्ता होता है, अरे वो बाबा रामदेव जी बहुत उसका ऐड करते हैं एलोवेरा का, कहते हैं खाओ तो वो खैर इम्यूनिटी तो बढ़ाता है वो, लेकिन आप सोचिए डाइपर में एलोवेरा। तो वही मतलब ऐड का जमाना है, सवाल करोगे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लिखो जल्दी लिखो यार। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। अच्छा भाई अब देखो बच्चों, मान लो जैसे कि हमें एक सवाल करना है, बढ़िया सवाल करना है बच्चों, मान लीजिए ये क्वेश्चन करना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का रेंज निकालना है। बहुत समस्या, क्या करें क्या करें क्या करें, दिमाग में खुजली करें दिमाग में खुजली करें दिमाग में खुजली करें सिर में खुजली करें क्या करें, बहुत टेंशन। साइन की निकालें कॉस की निकालें मल्टीप्लाई कर दें, ना ऐसा नहीं करते हैं, ग्राफ बनाएं इतना आसान नहीं। एक काम करें देखो, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करें, अब क्या हुआ, अब ये हुआ साइन टू एक्स। ठीक, अच्छा साइन टू एक्स की रेंज क्या होती है भाई? साइन एक्स की तो मैंने बताई थी आपको, माइनस वन से वन होती है, तो साइन टू एक्स की क्या होगी? अच्छा वो भी मैंने आपको बताई थी, देखो साइन टू एक्स का मैंने आपको ग्राफ बताया था, याद करो मैंने बताया था साइन टू एक्स में क्या होता है बेटा कि उसका पीरियड चेंज हो जाता है 2π/2। मतलब देखो बेटा पुराने सारे वीडियो पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ का वीडियो मैंने बताया है पूरा एक, मेरे बच्चे मेरे अच्छे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों भाइयों बहनों, किस नाम से पुकारूं यार, जो नाम कहो उस नाम से पुकार लूं, लेकिन पढ़ लो मेरे भाई मेरी बहन पढ़ लो। ठीक है, तो साइन टू एक्स में क्या था बेटा, उसका पीरियड चेंज होता था है ना, लेकिन रेंज वही रहती थी माइनस वन से वन तक। ठीक है, तो साइन टू एक्स की रेंज भी माइनस वन से वन तक होगी। अब 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बोलो, -1/2 से 1/2 देखो कांस्टेंट हम है ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस पूरे की रेंज क्या आ गई, -1/2 से 1/2 तक आ गई। अब एक समस्या देखो यहां पर ये आई, जैसे हमने कहा कि साइन टू एक्स की रेंज वही है, तो साइन एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी फिर?
या साइन 100x की रेंज क्या होगी, या साइन मॉड x की रेंज क्या होगी, या साइन ऑफ साइन x की रेंज क्या होगी? सवाल तो यार पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे नहीं परेशान, देखो मैंने क्या बताया, लाइफ में परेशान नहीं होना, बस टेंशन नहीं पालो, सब होगा। और ये सब चीजें ना फंक्शन में करनी पड़ती हैं बेटा, क्योंकि इनकी जरूरत हमें पूरे के पूरे, बताया ना 60-70% पोर्शन मैथ्स का ऐसा है जो फंक्शन बेस्ड है। फंक्शन नहीं पढ़ेंगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत टेंशन हो जाएगी, दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। खैर परेशान मत हो, सब बताता हूँ, वही अपना टी मेथड चलेगा। अरे काहे को टेंशन पालना यार, टी मेथड चलेगा, टी मेथड। देखो अभी क्या होता है, समझो, लिखो जल्दी इसको, लिखो सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। कई बार बोलते बोलते गला खराब हो जाता है, तो गाने की लय बिगड़ जाती है। मैं ठीक ठाक सिंगर हूँ, बस बता दूँ तुमको, मैं तुम्हें शायद विश्वास नहीं होगा, ठीक ठाक सिंगर हूँ मैं, समझे। अच्छा बुरा गाता हूँ? अरे कोई टेंशन नहीं यार, भजन गाता हूँ, भजन भक्ति मैं चीज़ें बनाता हूँ हमेशा, देशभक्ति के गीत गाता हूँ, भजन गाता हूँ, जवानों में जोश पढ़ाता हूँ, क्रांति लाता हूँ, समझे। देखो ध्यान दो, मान लो जैसे अगर हमें साइन एक्स स्क्वायर दिया, अब साइन एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ भी हमने नहीं बनाया, साइन एक्स का बनाया, साइन टू एक्स का बनाया। देखो इस टाइप के जितने भी है ना बेटा, साइन एक्स है, साइन टू एक्स है, बोलो साइन 10x है, साइन 100x है, साइन x by 2 है, ठीक है, साइन x by 10 है, इन सब के ग्राफ बनाने हमने सीखे थे, है ना, हमने बताया था, इन सब के पीरियड बदलते हैं बस, और रेंज वही रहती है। तो इन सारे फंक्शन की जो रेंज है ना, ये -1 से 1 तक होगी। आंख बंद करके नहीं, खोल के लिखिए। लोग कहते हैं आंख बंद करके याद कर लीजिए, नहीं आंख बंद नहीं करना, आंख खोल के लिखिए, आंख खोल के इसको याद कर लीजिए, है ना। तो इन सब फंक्शन की रेंज हमेशा ये रहती है, कोई टेंशन नहीं। हमने ग्राफ देखे थे, ग्राफ से अच्छा तरीका है ही नहीं कोई रेंज का, नहीं मतलब ग्राफ से अच्छे तरीके हैं, ये टी मेथड भी ग्राफ से अच्छा मेथड है। अच्छा अब तुम कहोगे यार साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाए, तो भैया ग्राफ तो इसका आसान नहीं है, बना तो मैं दूंगा तुम्हारे लिए, तुम कहोगे तो, जिद करोगे तो बना दूंगा, लेकिन वही सब है बेटा, कोई रेगुलर ग्राफ नहीं आएगा, मतलब ये फंक्शन एक्चुअली पीरियोडिक नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर फंक्शन पीरियोडिक ना हो ना, तो उसका कोई बढ़िया ग्राफ नहीं निकल के आता, रेगुलर ग्राफ नहीं आता, अजीब सा ग्राफ आएगा, उल्टा सीधा काम चलाओ ग्राफ, बेकार का ग्राफ, समझे। तो रेंज कैसे निकालें, रेंज कैसे निकालें, देखो परेशान मत हो, एक काम करो, जैसे x स्क्वायर जो है ना उसको t मान लो, t, अब तुम्हारा सवाल हो गया y बराबर sin t, अब तुम्हें sin t की रेंज चाहिए, लेकिन पहले ये देखो कि t क्या है x स्क्वायर, और x स्क्वायर की रेंज क्या होती है, x स्क्वायर की रेंज देखो, x स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, ये ग्राफ क्या है बोलो, y बराबर x स्क्वायर का, तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 0 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब समझो t क्या है, t हो गया 0 से इंफिनिटी, t की रेंज क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। अब देखो बेटा ध्यान दो,
साइन टी को देखना है। देखो साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ ये होता है, ऐसे होता है साइन का ग्राफ। ये इसका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, लेकिन ध्यान दो यहां साइन टी है, टी, तो इसका मतलब अब ये एक्स एक्सिस नहीं, अब ये टी एक्सिस मानो, टी। और टी क्या है बोलो, जीरो टू इंफिनिटी है। तो तुम साइन के ग्राफ को जीरो टू इंफिनिटी में देखो, इधर पीछे की वैल्यू भूल जाओ, ये पीछे की तुम सारी वैल्यूज भूल जाओ, अब तुम केवल टी, क्योंकि टी का मतलब एक्स, एक्स की जगह टी आ गया, और टी क्या है, जीरो से इंफिनिटी। तो बच्चों जब टी जीरो से इंफिनिटी जाएगा, जब टी जीरो से इंफिनिटी जाएगा तो सोचो वाई की मिनिमम वैल्यू माइनस वन भी होगी और वाई की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन भी होगी। यानी टी जो है माइनस वन से प्लस वन सारी, मतलब वाई जो है माइनस वन से प्लस वन देखो वैल्यू ले लेगा। तो मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, माइनस वन से प्लस वन। तो इस तरीके से हम देखो, एक्चुअली क्या है ना, ये कंपोजिट फंक्शन है। आगे चल के पढ़ेंगे कि एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक है साइन एक्स। तो जैसे देखो दो फंक्शन है ना, एक है साइन एक्स, एक है एक्स स्क्वायर, इस एक्स की जगह ये आ गया, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। जैसे मान लो मैं एक ले लूं साइन एक्स, एक ले लूं ए की पावर एक्स, इस एक्स की जगह ये आ गया, तो क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, साइन ए की पावर एक्स, देखो कंपोजिट फंक्शन हो गया। मान लो एक साइन एक्स है और मान लो एक लॉग एक्स है, अब मैं काम करूं इस x की जगह ये sin x ले आऊं, तो क्या हो गया बोलो, log sin x, देखो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। मतलब किसी भी बेसिक फंक्शन में अगर x की जगह कुछ और आ जाए तो वो एक कंपोजिट फंक्शन हो जाता है, यही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। आगे चल के पढ़ेंगे सब, आगे चीजें आसान है बेटा। एक बार बच्चा ये फंक्शन के बेसिक है, ग्राफ है, डोमेन है, रेंज है, ये समझने लग जाए ना, तो आगे की चीजों में कुछ नहीं है, चुटकी बजाना पड़ता है, कुछ नहीं है, ये स्टाइल है बेटा, स्टाइल चुटकी बजा के बोलने में बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो खैर देखो इसकी रेंज क्या आ गई, माइनस वन से वन। अब हम इस मेथड से किसी की भी रेंज निकालें, लिखो जल्दी, लिखो लिखो फटाफट लिखो, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, राधा कभी श्याम तो मीरा कभी श्याम। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूं y बराबर साइन ऑफ कॉस x। देखो ध्यान दो, ऐसा नहीं है साइन x इंटू कॉस x, ये नहीं है, ये तो मैं तुमको करा चुका हूं पहले। यहां पर x की जगह ही कॉस x आ गया, तो ये आ गया साइन ऑफ कॉस x। इसका रेंज चाहिए, वही क्या, टी मेथड। देखो क्या करें, कॉस एक्स को टी मान लें, तो सवाल क्या हो गया, वाई बराबर हो गया साइन टी, और टी क्या है, टी है बोलो माइनस वन से वन तक, टी मतलब कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या है बोलो, माइनस वन से वन तक है। अब जरा समझो ध्यान से, हमें साइन टी का ग्राफ चाहिए, तो देखो साइन टी ग्राफ ऐसे बना, ये वैल्यू जीरो है, ये क्या है बोलो पाई बाई टू, ये पाई, ये क्या है माइनस पाई बाई टू, ये क्या है माइनस पाई। देखो मैंने बताया था बेटा कि पाई बाई टू, पाई क्या होता है 3.14 बाई टू, मतलब लगभग 1.57। तो हमें टी जो है ना वो कहां से कहां तक लेना है, माइनस वन से वन तक। देखो ये हमारा टी एक्सिस है, ये वैल्यू क्या है 1.57 है, और ये वैल्यू क्या है माइनस 1.57 है। देखो टी कहां से कहां तक गया,
टी गया माइनस वन से वन तक, मतलब अब हमें इस ग्राफ का केवल ये पार्ट चाहिए, टी की वैल्यू माइनस वन से वन तक गई तो यहां पर और यहां पर, देखो केवल ये वाला पार्ट हमें ग्राफ का लेना होगा। देखो बच्चों, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, ये इस फंक्शन का ग्राफ नहीं है। जैसे पिछले सवाल में भी साइन एक्स स्क्वायर में भी जो मैंने ग्राफ बनाया था वो साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ बिल्कुल नहीं था, वो केवल रेंज निकालने का एक तरीका था जिसमें हम ग्राफ को देख करके फंक्शन का रेंज निकालते हैं केवल। तो ये मत समझना कि ये साइन ऑफ कॉस एक्स का ये ग्राफ आ गया, बड़ा मजा आ गया, ना ना, इसका ग्राफ नहीं है ये बेटा, ये केवल रेंज निकालने का एक तरीका है। तो देखो टी कहां से कहां तक गया, माइनस वन से वन तक गया। अगर हम टी को वन लेंगे, अगर हम टी को वन लेंगे तो ये वैल्यू होगी साइन वन, और टी को माइनस वन लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, देखो ये वैल्यू होगी साइन ऑफ माइनस वन, मतलब माइनस साइन वन, देखो ये वैल्यू होगी माइनस साइन वन। तो देखो ये हो गई वैल्यू साइन वन और ये माइनस साइन वन यहां से यहां तक जाने में, तो हमारे फंक्शन की देखो रेंज हो गई क्या, माइनस साइन वन से लेकर के वन, है ना, समझो। साइन वन, देखो ध्यान रखना, साइन वन, वन का मतलब यहां पर एंगल जो है ना बेटा रेडियन में है, क्योंकि देखो ये 1.57 मतलब पाई बाई टू रेडियन, देखो पाई बाई टू रेडियन का मतलब 1.57 रेडियन, तो ये जो वन जो है ना ये रेडियन है, क्योंकि इस एक्सिस पर एक्चुअली एंगल है, आप कुछ भी लिखोगे वो एक एंगल है, वन लिखो, टू लिखो, थ्री लिखो, फोर लिखो, वो सब एंगल है, क्योंकि ग्राफ ये साइन एक्स का, इसीलिए जो आप यहाँ पर लिख रहे हो वो एक एंगल लिख रहे हो एक्चुअली, और एंगल डिग्री या रेडियन में होता है, तो पाई बाई टू का मतलब क्या, ये रेडियन में है, इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे ना पाई बाई टू रेडियन, वो रेडियन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जैसे यहाँ पाई रेडियन लिखा नहीं लेकिन वो रेडियन ही है, तो इसी प्रकार वन लिखा नहीं लेकिन एक्चुअली क्या है, वन रेडियन है, है ना। हाँ, इसी को 90 डिग्री भी कह सकते हैं, की बात है, पाई बाई टू रेडियन या 90 डिग्री सेम बातें है ना, 90 डिग्री या पाई बाई टू रेडियन, दोनों के दोनों सेम चीजें हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बेटा रेडियन है, साइन ऑफ वन रेडियन, और इसकी वैल्यू हम नहीं जानते, इसको ऐसे ही लिखेंगे बस। तो ये इस फंक्शन की रेंज आ गई, मतलब देखो कि ये सब कंपोजिट फंक्शन है, ये भी देखो अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है, हालांकि कंपोजिट फंक्शन को डिटेल से अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन रेंज हमें निकालना सारे फंक्शन की आनी चाहिए बच्चों, क्या समझे, क्या समझे, लिखो जल्दी से। जय जय शिव शंकर, कट लगे न कंकड़, हो प्याला तेरे नाम का पिया, हो गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम न लिया, हो सौरभ दे। कुछ भजन जो है ना फिल्मों के, तो भजन से शुरू तो होते हैं लेकिन असल में भजन नहीं होते हैं, जैसे ये गाना जय जय शिव शंकर काटा लगी ना कंकड़, इसमें आगे की जो लाइनें हैं वो भजन के लायक कहीं पर से नहीं है, लेकिन वो भजन है, आप गा सकते हैं, कहोगे मैं भजन गा रहा हूं, कोई रोक नहीं सकता भजन गाने से आपको, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये बड़े बड़े डायलॉग, मतलब फिल्मी डायलॉग है ये। अच्छा भाई, आते हैं देखो आगे, देखो बच्चों, तो जैसे मैंने बताया आपको कि a sin x plus b cos x, चीजों को स्क्वायर कर देना, चीजों को रेसिप्रोकल कर देना, चीजों को मॉडुलस दे देना, ये सब चीजें यहां पर चलती रहती हैं रेंज में, है ना। देखो जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ, लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस वन, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हमें इसका रेंज चाहिए,
तो आसान है, देखो बेटा टी मेथड लगाओ, है ना, टी मेथड, समझे? दो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मान लो, तो सवाल क्या हो गया, वाई बराबर साइन टी। अब इस टी की रेंज देखो क्या है, टी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ बनाना मैंने बताया बेटा आपको, भाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो ये होता है, माइनस वन है तो वन डिस्टेंस नीचे खिसका दो इसको, देखो तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा माइनस वन, ये हो जाएगा वन जीरो और ये क्या हो जाएगा माइनस वन जीरो। तो देखो इस फंक्शन का रेंज क्या हो गया, वाई की देखो मिनिमम वैल्यू क्या, माइनस वन, माइनस वन से इन्फिनिटी, तो मतलब इधर टी है ना, टी इसका रेंज क्या हो गया, ये हो गया माइनस वन से इन्फिनिटी। अब तुम साइन का ग्राफ बनाओ, साइन का ग्राफ बनाओ, देखो ये है साइन का ग्राफ है ना, और देखो ये है माइनस पाई बाई टू, तो देखो टी क्या है माइनस वन, यहां पर कहीं माइनस वन हुआ तो माइनस वन से तुमको इन्फिनिटी जाना है, तो अब इसका मतलब पीछे वाला ग्राफ मेरे लिए काम का नहीं है बच्चों, बस समझे, तो माइनस वन से जब तुमको इन्फिनिटी जाना है, देखो ग्राफ का ये हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला ग्राफ का देखो ये हिस्सा दिखाई देगा, टी है माइनस वन से इन्फिनिटी। अब देखो इस हिस्से में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है प्लस वन, तो फंक्शन की रेंज क्या हो गई, फंक्शन की रेंज हो गई बोलो माइनस वन से प्लस वन। लेकिन साइन की रेंज अभी देखा था पिछले सवाल में, साइन ऑफ कॉस एस की रेंज माइनस वन से प्लस वन थी, है ना, लिखो लिखो इसको लिखो, कोई टेंशन मत लेना, सब एक एक सवाल करेंगे, चुन चुन के करेंगे, परेशान मत हो, लिखो जल्दी लिखो। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, ओ मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं कर दूंगा बदना। देखो बच्चों इसकी रेंज चाहिए, क्या इसकी डोमेन निकाल सकते हैं, निकालना सीखा हम लोगों ने, चलो अच्छा पहले डोमेन ही निकाल लेते हैं। देखो मान लो इसका डोमेन निकाले, तो क्या होगा बच्चों बोलो, लॉग के आगे जो भी है ना, देखो बेस तो ई है, इसको पॉजिटिव करना होगा, साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनिक्वेशन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इनिक्वेशन सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था, मान लो ये ग्राफ अपना है, अब हम चाहते हैं साइन पॉजिटिव हो, साइन पॉजिटिव हो, देखो जीरो पाई टू पाई थ्री पाई, देखो ये देखो साइन पॉजिटिव है, ये भी देखो साइन पॉजिटिव है, तो जैसे ये इंटरवल क्या है जीरो से पाई, इसमें देखो साइन पॉजिटिव है, इसी में टू पाई जोड़ दें तो अगला मिल जाएगा, फिर टू पाई जोड़ दें अगला मिल जाएगा, टू पाई घटा दें पिछला मिल जाएगा, मतलब देखो मैंने क्या बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, जीरो से टू पाई के बीच का गैप देखो, इस गैप में ये वाला पार्ट है जहां साइन पॉजिटिव है, अब उसमें अगर हम टू एन पाई इधर जोड़ दें और टू एन पाई इधर जोड़ दें, तो हमको अपने सवाल का आंसर मिल जाएगा, n क्या है बोलो, इंटीजर है, क्योंकि देखो जीरो नहीं लेना पाई नहीं लेना, क्योंकि हमें साइन पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव का मतलब जीरो से वन तक चाहिए, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स चाहिए जीरो से वन तक, एक ही बात है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन होती, मैंने कहा साइन पॉजिटिव, इसका मतलब साइन जीरो से चलकर वन पर रुकेगा, कोई साइन एक लाख थोड़ी हो जाएगा, बोलो बोलो। तो ये जो है ना, ये इसका x, सॉरी ये क्या है x, x है ना, x, x की वैल्यू देखो ये आ गई, ये इसका x है, sin x पॉजिटिव, तो x की देखो वैल्यू ये आ गई, ये इसका डोमेन हो गया बच्चों,
इधर भी 2n पाई जोड़ा, इधर भी 2n पाई जोड़ा, डोमेन का आंसर आ गया। समझे? देखो लिखो जल्दी से, ये इसका डोमेन हो गया। अब देखो बच्चों, ये डोमेन का मेथड है, डोमेन के मेथड में रेंज के मेथड को मत मिक्स करना। ये डोमेन का मेथड है कि लॉग के आगे की चीजों को पॉजिटिव करना है। समझे? ये डोमेन का मेथड है। अब देखो इस क्वेश्चन का, अगर हमको रेंज चाहिए तो क्या करेंगे? समझो, मान लो अगर हमें इसका रेंज चाहिए तो अब देखो टी मेथड, देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो टी मेथड क्या करे, साइन एक्स को टी मान ले, मान लिया ना। अब देखो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया वाई बराबर लॉग टी, और बेसी देखो ये टी हो गया टी। अब टी की वैल्यू क्या होती है, साइन क्या होता है, साइन होता है माइनस वन से वन तक, देखो ये हमारा टी का रेंज हो गया। तो अब देखो समस्या ये है कि लॉग फंक्शन जो है ना, उसके आगे टी है और टी माइनस वन से वन तक है, लॉग ये बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि लॉग के आगे जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको देख करके लॉग गुस्सा जाएगा, नहीं तुम नेगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव वैल्यू को छोड़ो, तब तुम्हें मेरा साथ मिलेगा। तो ऐसे केस में ये बेचारा अपनी नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देगा, जैसे रूट करता था, मैंने बताया था रूट वाला कॉन्सेप्ट, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा होता था ना तो नेगेटिव वैल्यूज को छोड़ देना होता है, याद आया रूट वाला रेंज मैंने बताया था ना, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। अब टी अपनी नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देगा, तुलना करेगा, हाँ अब भाई मजा आया, अब ठीक है, अब तुम डिफाइन हो सकते हो। अब देखो लॉग का ग्राफ बनाओ, बेस ई, बेस ई का मतलब बेस ग्रेटर देन वन, देखो ये रहा लॉग का ग्राफ, ये वैल्यू होती है वन, तो देखो टी क्या चाहिए, टी चाहिए जीरो से वन तक, देखो ये हमारा टी हो गया है ना, एक्स की जगह टी, लॉग एक्स होता है ना, एक्स की जगह टी आ गया, देखो ये हमारा टी हो गया, तो टी क्या हो गया, टी हो गया जीरो से लेकर के वन तक। तो देखो हमें ग्राफ का ये वाला हिस्सा मिला, ग्राफ का ये वाला हिस्सा मिला, ये वाला हिस्सा नहीं मिलेगा, बेकार है, क्योंकि टी जीरो से वन तक है, इस हिस्से को मिटा दो। अब देखो टी हो गया जीरो से वन तक, ग्राफ का ये हिस्सा मिला, इस हिस्से में देखो वाई मिनिमम क्या है, वाई मिनिमम है माइनस इंफिनिटी, और y मैक्सिमम क्या है, y मैक्सिमम है जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पर y कितना है, जीरो। तो यही हमारे इस फंक्शन की रेंज आ गई, क्या, माइनस इंफिनिटी से जीरो। दिखा t मेथड कंपोजिट फंक्शन जब भी बेटा है ना, तो t मेथड हमेशा कामयाब मेथड है, एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ऐसे मान मान के रेंज को निकाला जा सकता है हमेशा। समझे कि नहीं समझे? लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो भाई। तो देखो बच्चों, ये हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन की रेंज को निकाला और ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग सब इसमें आ गए। देखो रेंज निकालने के अलग अलग नए नए मेथड देखो आ गए। तुमको मैंने क्या बताया था, रेंज निकालने के कई तरीके थे, पहला मेथड था x इन टर्म्स ऑफ y, वो भी कई जगह पर लगा, फिर ग्राफ मेथड था, देखो ये टी मेथड है, टी मेथड बहुत कामयाब मेथड है अपना। तो रेंज निकालने के हर मेथड को हम लोग बारीकी से कर रहे हैं, अभी रेंज निकालने के एक या दो वीडियो देखते हैं जरूरत के हिसाब से और आएंगे, उसके बाद आप सब बेसिक सीख गए, फिर और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, वन वन ऑन टू इनवर्स फंक्शन, उसमें बहुत समय नहीं लगता, बता दूं मैं आपको, ज़्यादा समय फंक्शन के बेसिक में ही लगता है बेटा, समझो बात को। और ये बेसिक अगर सीख लिए तो समझ लो 70% मैथ्स का पोर्शन हमारे हाथ में होगा, मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो देखते रहिए हरिओम बाबा का चैनल HD मैथमेटिक्स। बाय।